जलंधर शहर में चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महानगर के संगा चौक में रेडीमेड गारमेंट शो से सामने आया है, जहां चोर लाखों के कपड़े चुरा कर ले गए। दुकान के मालिक वरुण ने बताया कि उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले मॉडर्न मैन नाम से शोरूम खोला है। जब वे दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो करीब 5 लाख के कपड़े और गले से 20,000 का कैश गायब था। वरुण ने बताया कि दुकान के पास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बुलेरो सवार चोर दुकान से माल चुरा कर ले गए। इस घटना की सूचना इलाके के पास थाना में दे दी गई है। हाँ जी भाई, की नाम जी अपना? हाँ, मेरा नाम वरुण अनबना है। मैं शॉप खोली मॉडर्न मैन संगा चौक में, जो कि मैं कल रात 3:30 भी बंद कर दिया। सवेरे आया, ताले दो दिन लगे हुए थी, शटर थले से मैं शटर चक्या तो पूरी दुकान खाली थी, कुछ भी अंदर नहीं गया। सारे कपड़े जो सैसरी जो भी सारी खाली जा रही। फिर एक गले से कैश भी 82,000 वो भी ऐनी गला तोड़िया गया। फिर पूरी दुकान खाली करती मेरी एक ही चीज़। तुसी को पुलिस ने इन्फॉर्म किया? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस ने इन्फॉर्म किया। आए हुए कार्रवाई। कितना का नुकसान हो गया? कितना का नुकसान हो गया? कैश कुछ लाके लाओ ला के 5 लाख के करीब हो गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज आई? फुटेज पिछले कुछ चेक की जिद राती गड्डी आई, कोई 2 गड्डियां आई बलैरो, तो वो माल रखते ही आ रही उन्होंने सारा माल मूल रख रहे हो फुटेज चाह रहे हो तो की चाहते हैं कैमरे चंगी तरह चेक हो चाहते सारे चोरी फटे जाए सा नुकसान पूरा हो गया सा। हाँ जी, अज करीब 11 बजे सानू थाने फोन आया कि संगा चौंक में मॉडर्न मैंस दुकान से कोई चोरी हुई है, तो उस संबंध इतने आए हैं। तो इन्हें दसिए कोई 20,000 रुपये चोरी हुई है, बाकी गारमेंट जेंट्स के कपड़े से और कोई चोरी को करके ला गया। मैं किन्ना का नुकसान हो गया? 5 लाख का हो गया। अजय कोई बाद लेने बना के कि किन्ना का नुकसान होया? किन्ना कोई सीसीटीवी फुटेज तो पता लगा? अजय उन्हें चेक देख रहे हैं, अजय इन्हें कोई बयान भी नहीं जी, अभी इतने चेक करा रहे हैं, फिंगरप्रिंट भी ला रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो बाकी देख रहे अगले कर रहे की पता है, बाकी ऑर्डर है फुटेज चेक कर रहे हैं करके। अपना शुभ नाम की? मेरा नाम ए सी कश्मीर सिंह, थाना डिविजनल 6 जलंधर। एनकाउंटर जलंधर से वरुण की रिपोर्ट।